बस द लास्ट लेक्चर वी हैव डन द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, जिसमें कौन कौन सी रिएक्शन करी है। वेरी गुड। दूसरी वन इज विलियमसन, सेकेंड वन इज, वेरी नाइस। So one was dehydration and other was Williamson sensitivity. This is offline student. तो हमने विलियमसन सिंथेसिस जो हमने हेलोइलकेन्स में भी करी और डिहाइड्रेशन एक एल्कोहल की करी तो हमें एल्कीन मिले, और उसके अलावा अगर एल्कोहल की डिहाइड्रेशन करते हो तो आपको ईथर्स मिलते हैं अगर टेम्परेचर आप कम कर देते हो। ठीक है, उसके बाद बात आती है बेटे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप सिर्फ ये समझो जिसमें से क्वेश्चन आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में से, कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम है। बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन आएगा, बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? देखो ईथर है ना, ईथर ऐसा है कि आप गर्मियों का 35 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है। वाटर अगर जैसे राजस्थान एरिया में चले जाओ, वी आर वर्किंग विद दैट सॉल्वेंट। जब मैं वर्क करती थी तो हम जून जुलाई में ईथर यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि वाटर से ढक्कन ही ऊपर फ्लैश कर सकते थे, क्योंकि इतना ज्यादा इसका लो बॉइलिंग पॉइंट है 35, वो अपने आप ही बॉयल करना शुरू कर जाता था। ठीक है, क्योंकि इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी है नहीं है, मॉलिक्यूल दूर दूर बैठे हैं, आर ओ आर बॉन्ड्स हैं। एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ईथर क्या होता है? ईथर इज आर ओ आर, लाइक दिस इज ईथर। ये टग ऑफ वॉर ऐसे, इतनी डाइपोल मूवमेंट नहीं है इनके पास। ठीक है, अगर डाइपोल मूवमेंट नहीं होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं जैसे एल्कोहल के पास थी, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्कोहल से कम हो जाता है। ठीक है, अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो दे विल इजिली बॉयल एंड दे विल वेपराइज इजिली। तब इसकी जो अगर 35-40 तक टेम्परेचर पहुंचता है तो जो कैप्स है अपने आप ऊपर आनी शुरू होती है, बॉटल में बॉयल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है मेल्टिंग, आपको बाकी तो अपने आप ही कर लोगे। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में से स्टेट पूछी जाए तो वी नो दैट दे आर लिक्विड इन स्टेट। ईथर पड़े होते हैं लैब में, दे आर इक्वल इन स्टेट। दे सॉलिबिलिटी की बात करें, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतने नहीं बना सकते, कम बना सकते हैं, तो दे आर नॉट इजीली सॉलेबल इन वाटर। ठीक, अगर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, दे हैव लो। क्वेश्चन क्या आता है, व्हाई द ईथर्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट देन एल्कोहल। आंसर इज दिस कि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ईथर में नहीं होती है, दैट्स इट। ये क्वेश्चन पैट क्वेश्चन है अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में मानो, अदरवाइज जो हम कर चुके हैं विलियमसन और डिहाइड्रेशन अगर आता है तो 2 मार्क्स का इथर आता है, उसमें से वो ही क्वेश्चन आता है। ओके, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाओ कि क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड इन द केमिकल प्रॉपर्टीज। You have ether, this is ether. If you will react with HX, and generally HX जो लेते हैं हम HI लेते हैं बेटे, reactivity of HI is more than HBr, is more than HCl. ठीक है, क्योंकि हम कर चुके हैं P block में कि thermal stability down the group decrease होती है क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है। आयोडीन का साइज बड़ा है, हाइड्रोजन का छोटा है, तो ये बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ी है, ये इजिली ब्रेक कर जाएगा। जो चीज इजिली ब्रेक कर जाएगी वो ज्यादा रिएक्टिव होगी, तो एच आई ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू बाकी के साथ। तो जनरली हम एच आई लेते हैं जी, तो हमारा बॉन्ड टूट जाता है,
तो हमें क्या मिलता है, एक अल्कोहल मिल जाता है और एक हेलो एल्केन, जो जनरली आई ले होंगे, देयर इज हेलो एल्केन। दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यस नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यस एल्कोहल हाइड्रोजन शिवम। ठीक है, तो आपका बॉन्ड ऐसे, हम इसका मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म में क्या होता है, लेट अस सी द मैकेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू हैव दिस ईथर बेटे, ईथर इज हैविंग लोन पेयर हियर, दिस एच आई बॉन्ड, देखो ये एच पॉजिटिव है और ये लोन पेयर है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये यहाँ पे अटैक कर सकता है, करो अटैक, हरी अप, ड्रू राइट डाउन, तो यू विल गेट आर ओ हियर एच, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और आई नेगेटिव अलग हो जाएगा, यही बना आपका। अब हमें क्या, एक बात का क्या पता है कि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त कर सकती है? नहीं, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब इसी चीज को फिर से आप ले लो, इसी चीज को, आई नेगेटिव प्लस आर ओ पॉजिटिव एच आर, ये आई नेगेटिव इसको इलेक्ट्रॉन देके SN1 से यहाँ पे पीछे से अटैक करेगी, SN2 मैकेनिज्म से। SN2 मैकेनिज्म क्या कहता था कि बैक साइड अटैक होता है, तो ये बैक साइड अटैक करेगी इस आर के ऊपर। क्यों? क्योंकि इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया बेटे जी, पॉजिटिव चार्ज। जब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये ऑक्सीजन इन आर से ये इलेक्ट्रॉन खींच रही है, हम देखेंगे कौन सा आर निकलता है। अब तो आर इक्विवेलेंट लिया है, जब हम डिफरेंट आर लेंगे तब देखते हैं कौन सा एल्कोहल बनता है और कौन सा एल्काइल हेलाइड बनेगा, दैट विल सी। पहले मैकेनिज्म समझो, अभी सेम आर लिए। अब क्योंकि ऑक्सीजन इनसे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो आर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। ठीक, तो ये आई नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इस आर को। अब इस ऑक्सीजन को मौका मिल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगी और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एल्कोहल, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एल्काइल हेलाइड। बनाओ जल्दी, हरी आप, अपने आप कंप्लीट द रिएक्शन। अब हमारा के पास अगर ऐसा ईथर हो, लेट मी टेक दिस ईथर, कैन एनीवन टेल मी कि एल्कोहल कौन सा बनेगा और एल्काइल हेलाइड कौन सी बनेगी? इफ यू हैव दिस ईथर विच इज एल्कोहल फॉर्म एंड विच इज एल्काइल हेलाइड, हाँ मैं अपना ख्याल बताऊं क्यों, गैस तो सही है, क्यों क्यों सी है थ्री सी है आई, यहाँ पे आके क्यों नहीं लगा, यहाँ पे ये एच, यहाँ पे आगे भी जो यहाँ पे एच, एच ने तो यहाँ ही अटैक करने, हमारे मैकेनिज्म में क्या है जो सीधा मैकेनिज्म, हाइड्रोजन ने यहाँ अटैक करना है, देखो यहाँ अटैक करता है, यही मैकेनिज्म ना आपका, इस लोन पेयर के साथ अटैक करता है, तो यहाँ पे फिनॉल भी बन सकते हैं,
यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड भी बन सकता है बहुत। वेरी नाइस। अब जब एच यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या है, पार्शल डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं है, है कि नहीं? पार्शल डबल बॉन्ड करेक्टर क्या, ये बॉन्ड ब्रेक करना हमारे लिए इजी है, ये बॉन्ड ब्रेक करना हमारे लिए ज्यादा इजी है। तो ये वाली चीज अलग हो जाएगी, ये वाली चीज तो इंटैक्ट रहेगी, ठीक है, ये वाली चीज इंटैक्ट रहेगी, ये वाली चीज अलग होगी। तो आपका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, फिनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड। बनाओ फिर, फिनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड। बन गया। अगर मैं एक तरफ टर्शरी ले लूं तब क्या हो, इफ आई विल टेक टर्शरी, क्योंकि ये बेटे सारी कंप्लीट द रिएक्शंस में आएंगी एमसीक्यू में, ठीक है। दिल से इसको इसका नेम बोल लो, कॉमन नेम एनी सोल। इफ एनी सोल इज रिएक्टेड विद एच आई, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो फोर ऑप्शंस मिलेंगे आपको, फिनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड, या आपका यहाँ पे आई लगा जाएगा तो मिथेनॉल प्लस आइडोबेंजीन, जी तीन तीनों लिख देंगे, फिर ऑल ऑफ दीज कर देंगे, ऐसी रिएक्शंस बन के आएंगी पेपर में, क्योंकि अब एमसीक्यू है। अब नेक्स्ट केस देखिए, हम अगर हमारे पास ये हो, जनरली कहा जाता है कि जो स्मॉल ग्रुप है वो आयोडाइड के साथ जाता है, स्मॉल ग्रुप आयोडाइड के साथ जाता है, जनरली ये बोला जाता है। इसका एंड प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए आपके हिसाब से? लास्ट में यही देखा, स्मॉल ग्रुप जो मिथाइल था वो आयोडाइड के साथ गया, यही देखा। इस केस में क्या होगा, दिमाग चलाओ। हम मैंने मैकेनिज्म क्यों लिखवाती हूँ आपको, देखो मैकेनिज्म में क्या किया था। सबसे पहले एच प्लस ने आके अटैक किया था, लोन पेयर के ऊपर अटैक किया था, फिर आयोडाइड पीछे से आई थी, अटैक करी थी, यही हुआ था क्या। यहाँ पे पीछे से आके अटैक करने का स्कोप है, क्या यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनने का स्कोप है? क्या यहाँ पे टर्शरी चीज आने के कारण टर्शरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल नहीं होता? सोचो, एग्जाम में ध्यान रखना है बेटे, अगर आपके छोटे छोटे ग्रुप लगे हों तो छोटा ग्रुप उस तरफ जाएगा जहां पे आयोडाइड है आयोडीन के साथ, मगर टर्शरी जब लग जाएगा ऐसा कुछ नहीं होगा, टर्शरी के साथ आयोडाइड जाएगा। अब ध्यान से देखो, हमारे मैकेनिज्म में हुआ क्या था कि ये एच प्लस यहाँ पे आके लोन पेयर पे अटैक किया था, किया था इजंट इट, यहाँ पे आया था बेटे पॉजिटिव चार्ज आया था। अब ये जो अगर अपनी इसको इलेक्ट्रॉन दे दे, यहाँ पे हाइड्रोजन आके अटैक किया, अगर ये अपने हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे 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 दे, तो ये कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, टर्शरी। ये कौन सी अल्कोहल बन जाएगी, मीथेनॉल CH3OH, और ये कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, टर्शरी, ठीक है।
ओके, समझ रहे हो बात? तो ये कौन, ये मीथेनॉल बन गई, और आयोडीन कहाँ लगेगी? इस कार्बोकेटायन के ऊपर। जरा लिखो मैकेनिज्म, कैसे लिखोगे? अपने आप लिखो फिर, मैं तो बोर्ड पे लिख देना है। पहले आपने एच प्लस आके अटैक करवाना है। नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप सुन लो, होता है आपसे, नेक्स्ट स्टेप में जब यहाँ पे एच प्लस आके अटैक कर जाएगा, आप ये बॉन्ड यहाँ से क्लीव करवाओगे। भैया आप बोलोगे क्या बन गया? मीथेनॉल। फिर आपके साथ में क्या बन जाएगा? कार्बो केटाइन। और कार्बो केटाइन बन जाए तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है? SN1। डू यू रिमेम्बर? तभी मुझे अभी आयोडाइड आके यहाँ पे अटैक करेगा बाय SN1 मैकेनिज्म। तो आपके पास टर्शी ब्यूटाइल आयोडाइड बनेगी और साथ में मीथेनॉल बन जाएगा। हरी अप, बनाओ अपने आप, सेल्फ ड्रिलिंग किया करो। हरी अप, ध्रुव जल्दी बनाओ। मैकेनिज्म एंड प्रोडक्ट नहीं, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म लिखो। अभी लिखा ना पीछे मैकेनिज्म, दैट मैकेनिज्म वाज SN2। SN2 में क्या था याद है आपको? हेलोकेन बैकसाइड अटैक होता था। इस केस में SN1 है। आप कार्बोकेटाइन बनाओगे पहले, स्पून फीडेड हो गए, बस जो बोर्ड पे लिखा उतार लिया, खत्म। हमारी फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? फर्स्ट स्टेप में यू विल, दिस एच प्लस विल बी अटैकिंग ऑन दिस एंड यू विल बी गेटिंग दिस। नाउ इन द सेकेंड स्टेप दिस विल बी रिमूविंग। ये यहाँ पे हम रिमूव, इस स्टेप में रिमूव करके दिखाएंगे एंड यू विल बी गेटिंग कार्बोकेटाइन एंड मीथेनॉल। ये कार्बोकेटाइन पे अब नेक्स्ट स्टेप में आयोडाइड का अटैक कराओगे, नेक्स्ट थर्ड में, और आपको टर्शी ब्यूटाइल आयोडाइड मिल जाएगी। नेम्स आपको सब याद रहने चाहिए। MCQ में आपको कोई नेम लिख के नहीं देगा, आपको वो बना के नहीं देगा स्ट्रक्चर्स। दे विल जस्ट राइट डाउन द नेम ऑफ द ईथर, द नेम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बताओ क्या बन रहा है? तो हमें एंड प्रोडक्ट ही नहीं पता होता, हमें एंड प्रोडक्ट के नेम ही नहीं पता होते। ये MCQ इजी नहीं है आपके लिए। डाउट प्रोसेस करवा दो। तुझे डाउट प्रोसेस कहां से याद आ गया? क्लोरोबेंजीन बना, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बना। उसमें एरो के ऊपर लिख हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर 573 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 573 एंड 300 एटमोसफेयर प्रेशर। फिर क्या बन जाएगा? की बना रहे हैं तुम, किन रिएक्ट करेगा? NaOH के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं ना, प्लस NaOH तो फिनॉल बन जाएगा। पहले आपका फिनॉक्साइड बनेगा, फिर HCl डालोगे, फिनॉल बन जाएगा। क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है? कितने इंपॉर्टेंट नहीं है? 573 to 673 केल्विन टेम्परेचर ऑन द 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, क्लोरोबेंजीन प्लस NaOH गिव यू फिनोक्साइड, फिट विद डाइल्यूट HCl इट विल गिव यू नॉल।
चलो ये बात समझ आई आपको, ठीक है। अब आपने एंड प्रोडक्ट ध्यान से देखना है कि आपको क्या, अगर राधिका वेकअप, ठीक है। आपने ये देखना है बेटे, अगर छोटे छोटे ग्रुप लगे हो तो आपकी छोटा ग्रुप किसके साथ जाएगा, आयोडाइड के साथ। अगर टर्शरी ग्रुप लगाओ तो टर्शरी ग्रुप किसके साथ जाएगा, आयोडाइड के साथ। ये ध्यान में रखना है एंड प्रोडक्ट में। इसके बाद एक एमसीक्यू आता है, जैसे हमने पुराने अभी रिएक्शन करी है कि डाई मिथाइल ईथर को एक्सेस ऑफ एचआई के साथ ट्रीट किया, तो एंड प्रोडक्ट क्या है। अभी तो हमने सिंपल एचआई से ट्रीट किया तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना। चलो करो, डाई मिथाइल ईथर को एचआई से ट्रीट करो, क्या प्रोडक्ट बना। डाई मिथाइल ईथर को एचआई से ट्रीट करो और मुझे प्रोडक्ट बताओ क्या बन रहा है। अरे अब वेरी गुड, सो दिस इज डाई मिथाइल ईथर। जब हम एच आई से ट्रीट करेंगे तो ये बॉन्ड क्लीव होगा एंड वी विल गेट मिथेनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड। अब एक स्टेटमेंट में एक वर्ड ये ऐड करेंगे, एक्सेस एच आई, फिर आपसे एंड प्रोडक्ट पूछेंगे, ठीक है। दे विल ऐड एन वर्ड एक्सेस एच आई, तब क्या पूछेंगे, तब क्या एंड प्रोडक्ट है। तब ये मीथेनॉल अगेन एच आई से रिएक्ट करेगा, ये मीथेनॉल अगेन एच आई से रिएक्ट करेगा। और आपको पता है अगर मीथेनॉल बेटे एच आई से रिएक्ट करता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही तो है ये। मीथेनॉल से मिथाइल आयोडाइड तो बनेगी कि नहीं बनेगी। दिस इज अ रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल आयोडाइड। तुम्हारा एंड प्रोडक्ट क्या है, मिथाइल आयोडाइड प्लस वाटर मिथेनॉल तो बने ही नहीं। तो दे विल कंफ्यूज यू विद द स्टेटमेंट, रीड द स्टेटमेंट कि ईथर के साथ एचआई को एम ही रिएक्ट किए हैं तो द एंड प्रोडक्ट एक एल्कोहल है, एल्काइल हैलाइड है। अगर ये एक्सेस बोल देंगे तब आपके 2 मोल्स ऑफ एल्काइल आयोडाइड ही है, इथेनॉल मिथेनॉल नहीं बना कुछ भी। एमसीक्यूज में यही कुछ होना है आपके साथ, तो एरो को ध्यान से रीड कर लियो क्या लिखा हुआ है उस क्वेश्चन में, कि एक्सेस एच आई है या एच आई सिंपल है। राधिका बेंजीन कौन सी रिएक्शन जाती है, राधिका बेंजीन कौन सी रिएक्शन जाती है। बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाती है, जाती हैं। हमने हेलोरीन्स में ये कहानी पढ़ी, हेलोरीन्स में भी क्लोरीन ऊपर लगा हुआ था और इलेक्ट्रोफाइल्स लेके आए थे। हमने फिनॉल्स में भी यही कुछ किया, चाहे वो क्लोरीन लगा है, चाहे वो OH लगा है, चाहे वो अब OR लगा है, दैट इज ईथर है। ये तीनों ही क्या है, प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, लोन पेयर है ना, इसके ऊपर भी प्लस आर है। जितने भी प्लस आर होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, जितने भी माइनस आर वाले होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग है। मेटा डायरेक्टिंग एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, NO2, ये सारे मेटा डायरेक्टिंग। अभी तक यू आर लकी कि बेटे हेलोरीन्स, फिनॉल्स, हेलोरीन क्या थे, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन कुछ भी लगाओ, दैट इज हेलोरीन। फिनॉल क्या थे, बेंजीन के ऊपर OH लगा था, ठीक है। अब ये जो ईथर्स आए हैं ये क्या है, ये भी बेंजीन के ऊपर OR लगा है, यही है। ये सब ही सब प्लस आर वाले ग्रुप हैं,
ये सारे के सारे प्लस आर वाले ग्रुप हैं। प्लस आर वाले ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होते, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं करते हैं। चलो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो फिर ईथर का मेरे लिए, जल्दी हरी आप, फिर सारी रिएक्शंस करें, फिर मुझे बताओ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कैसे है, हरी आप जल्दी। अब मान लो कि बेंजीन के ऊपर देखो यहाँ पे ओ एच था, अब हमने कुछ नहीं किया, एच यहाँ पे सी एच थ्री कर दिया, यही फर्क है ना ईथर और फिनॉल में। फिनॉल पे यहाँ पे ओ एच था, अब यहाँ पे ओ सी एच थ्री। फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने कितनी बारी क्लास में बनवाया आपको एसिडिक नेचर समझाने के लिए, वैसे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, हरी अप बनाओ, फिर ऑर्थो पैरा पे नजर आएगा नेगेटिव चार्ज, खुद बनाओ। ये बेटे ये समझ समझो कि एमसीक्यू में कौन सा हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं, पर जब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो आपने एक क्वेश्चन नहीं होना एमसीक्यू का। सुशांत टुडे यू आर नॉट हैविंग एनी प्रैक्टिकल, द प्रैक्टिकल डेज आर वेंसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। आज कौन सा है? आज है प्लस वन का है, मंडे वेंसडे और आप नॉन मेडिकल वाले हो है ना, आपका नहीं है। फिर बेटे आपने जो भी आपका प्रैक्टिकल है उसकी प्रैक्टिकल फाइल लेके आओगे, ऑब्वियस है। एंड यू आर नॉट अलाउड सिंस यू आर नॉट कमिंग टू स्कूल, बेटे प्रोजेक्ट फाइल आपकी शायद अभी टर्म सेकंड में चलेगी, देखते हैं। बंद नहीं करनी बेटे, ये है प्लस वन नहीं है, मैं अभी जस्ट आई विल चेक आउट द सिलेबस कि प्रोजेक्ट फाइल आपकी टर्म वन में है या टू में है, उसके हिसाब से आप करोगे। बेटे हॉलीडेज होमवर्क यू आर गिवन दैट हॉलीडेज होमवर्क, यस गुंजोत।